छोड़ता है कागज। कागज भी कभी कोई दौलत होती है, वो चाहे उस पर पाउंड का प्रिंट हो, चाहे यूरो का प्रिंट हो, चाहे बेचारे पाकिस्तानी थके हुए रुपए का प्रिंट हो, तो है तो कागज। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज हम रिएक्ट करेंगे मौलाना तारिक जमीन जी का जो बयान है, क्या हम आजाद हैं, इस पर कई सारे रिक्वेस्ट आए थे हमारे पास, तो इस वजह से आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं। आखिरकार उन्होंने क्या बताया है, इंसान किस तरीके से आजाद है, किस तरीके से बंदिशों में बंधा हुआ है, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे और आप भी साथ बैठकर रिएक्ट करेगा और आपसे एक आध सवाल पूछा जाएगा वीडियो के एंड में, ठीक है? तो सवाल का जवाब आप दे देना और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या हम आजाद हैं, बयान भाई मौलाना तारिक जमीन, ठीक है, स्टार्ट कर। शादी हुई है, कल मौत आ गई, आजादी। दुनिया की हर शय मौजूद है, खुशी कोई नहीं, तो लाओ खुशी लो। हर नेमत मौजूद है, खुशी कोई नहीं। बीमारी से लड़ सकते हैं, सर दर्द अपनी मर्जी से होता है। कोई चाहता है मैं मुस्तकिल सर दर्द का मरीज, अभी भी उसके साथ बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे सर दर्द रहे हर वक्त। कौन ये कर रहा है, तो कौन ये कहता मैं आजाद हूँ? तुम हंसना चाहते हो, तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं। तुम रोना चाहते हो, तुम्हारी आंख साथ नहीं देती। तुम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए प्रोटेक्टर लगाते हो और तुम्हें उन्हें उठा के जाके मिट्टी में डाल देते। तो इन दो गलत जहन से आज पूरी दुनिया में फसाद है। माल बनाओ, पैसा बनाओ, जैसे मर्जी आए, झूठ बोल के आए, धोखा दे के आए, फ्रॉड के साथ आए, ड्रग्स बेच कर आए, माल बनाओ। एक आदमी ने हीरोइन बेची, कितने घर उजाड़ दिए, ये कभी खुश रह सकता है? चर्स बेच दी, अफीम, हमारे पाकिस्तान चर्स, अफीम, जितनी नस्लें बर्बाद हो रही, इसके पीछे ये ज़हन है पैसा आना चाहिए, पैसा। पैसा कमाने के लिए हर कानून तोड़ दो, क्योंकि पैसे से काम बनता है। पैसा आ गया, अब मेरी मर्जी, में जो मर्जी करूं, मुझे कौन रोकने वाला है? कोई नहीं रोकेगा। फिर तुम मौत को भी रोक के दिखाओ, फिर तुम कब्र में जाने को रोक के दिखाओ, बुढ़ापे को रोक के दिखाओ, दांत हिलने शुरू हो गए इन्हें रोक के दिखाओ, नजर कमजोर हो रही इसे रोक के दिखाओ, सुनना कमजोर हो रहा है रोक के दिखाओ, भूख लगनी बंद हो गई रोक के दिखाओ, हाथ में स्टिक आ गई इसे रोक के दिखाओ, व्हील चेयर पे आ गया इसे रोक के दिखाओ, मौत ने झटका दिया इसे रोक के दिखाओ, जिनके लिए कमाया था उन्होंने जाकर कभी कब्र पे जाके देखा भी नहीं कि कौन है और कहां है, रोक के दिखाओ। आजादी कैसी, यहां तो आना ही कैद है। मैंने कब चाहा था मैं आऊं, और अब मैं कब चाहता हूं मैं मर जाऊं, पीछे लगी हुई हर सांस, इस एक सांस ने मुझे मौत के और करीब कर दिया। दिन और रात तो लंबा पीरियड है, इस एक सांस ने भी मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली है, हर वक्त मेरी जिंदगी मुझसे छीन रही है, छीन रही है। हर वक्त मेरे हाथों से जा रहा है, जा रहा है, और हर वक्त टाइम का खतरनाक सफर मुझे तेजी से। अफला ترون الى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ। कब मेरे नबी ने फरमाया था, जब टाइम टाइम छुरी को जानता ही नहीं था, उस वक्त मेरा नबी आज की बात कर रहा है। مَا يَنْتُقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, कि मेरे हबीब की जबान नहीं बोलती, मेरे हबीब की जबान पे अल्लाह बोलता है। इस जहन ने भाईओ जिंदगियां तबाह कर दी। झूठ बोलो पैसा बचे, बचाओ, सच बोलने से पैसा बच रहा है। सच इसलिए नहीं बोल रहे कि सच बोलना इज्जत है, नहीं, इससे पैसा बच रहा है। जब झूठ बोलने का मौका है झूठ बोलो, जब धोखा देने का मौका है धोखा दो,
अब इससे पैसा थोड़ा हो रहा है, शराब बेचो। कितने मुसलमान हैं शराब की दुकानें खोल के बैठे हुए, कैसे उनकी नस्लें सुख पाएंगी? रोटी के नवाले में कोई छोटा सा रोड़ा आ जाए आटे में, वो डालो तो वो खाया नहीं जाता, तुम थूक देते हो, तो ये कांटों भरी प्लेट कैसे अंदर जाएगी? एक दिन अपना जहर दिखाना है, वो आज नहीं, आंखें बंद होने का इंतजार करो। सिर्फ यही जहान नहीं जो नजर आ रहा है, ये तो बनाने वाला कहता है वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये तो धोखा है, लाइब वलहव खेल तमाशा, वजीनत वतफाखर बैनकुम वतकाथर फिल अमवाल वल औलाद, माल की हवस इज्जत की दौड़ पैसे की दौड़ खेल तमाशा, बनाने वाला कहता है كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء, यहाँ तो आप ये मंजर नहीं देख सकते, पाकिस्तान में जाओ, अफ्रीका में जाओ, जहाँ सहरा है और ऊपर से धूप है और पूरा सहरा लगता है पानी का दरिया चल रहा है, प्यासा भागता है पानी, अकलमंद कहता है पानी नहीं, आप इंग्लैंड से आए हो, आपको पता नहीं ये पानी नहीं है, ये धोखा है। कहता तू मुझे पानी नहीं पीने दे रहा, असल में तू मुझसे हसद करता है, पानी का जाओ भाई। और फिर वो प्यासा मर के उसकी लाश उठ के वापस आती है। तो क्या खूबसूरत मिसाल दी है मेरे रब ने, कसराब बिकिया, ये रेत में पानी है, तुम भागोगे, ये पकड़ो ये पकड़ो ये पकड़ो, कोई तुम्हें रोकेगा, तुम कहोगे ये हसद करता है ना, मेरा रिस्क इसको हजम नहीं हो रहा, मेरी दौलत इसको हजम नहीं हो रही, मेरी गाड़ियां इसको हजम नहीं हो रही, उसे कोई बदहजमी कोई नहीं है, तुम्हें बता रहा है कि ये गलत रास्ता है, हलाल रास्ते से सारी दुनिया का मारो, अल्लाह कोई मना नहीं करता। अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु टॉप 10 सहाबा में है, टॉप 10, कौन से टॉप 10 है? आपने कहा अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, साद बिन अबी वक्कास जन्नती, अब्दुल रहमान बिन औफ जन्नती, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती, सईद बिन ज़ैद जन्नती, इन 10 आदमियों को आपने एक मजलिस में जन्नत की बशारत दी थी, इनको टॉप 10 कहा जाता है, आशरा मुबशरा, उसमें एक अब्दुल रहमान है। जब इनका इंतकाल हुआ तो 3 अरब यानी 3 बिलियन, 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार छोड़े। दीनार क्या होता है? सोने का सिक्का। आज का मालदार क्या छोड़ता है? कागज। कागज भी कभी कोई दौलत होती है, वो चाहे उस पर पाउंड का प्रिंट हो, चाहे यूरो का प्रिंट हो, चाहे बेचारे पाकिस्तानी थके हुए रुपए का प्रिंट हो, तो है तो कागज, कागज भी कोई दौलत है। आज का इंसान कितना बेवकूफ है कि कागज को माल समझे हुए, 10 मंजिला बिल्डिंग बनाई और इतने से कागज के थद्दी पर बेच दी, और अब तो कागज में नहीं रह गए, अब तो वो कार्ड आ गए, अरे कार्ड, प्लास्टिक के कार्ड हर कोई लिए फिरता। सही और ये मरने वाला 10 बड़े सहाबा में एक है, और 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार छोड़ा है। 1 दीनार 4.5 माशे सोने का होता था, सोना गोल्ड, और 1 माशा पाकिस्तान में 5,000 रुपए का है पाकिस्तान। 3 अरब 10 करोड़ दीनार उसको जरब दो 4.5 से, फिर उसके माशे बनाओ, फिर उसको जरब दो 5,000 से, तो पूरा इंग्लिस्तान खरीद सकते थे, और 10,000 बकरियां और 1,000 घोड़े और 1 ऊंट और जमीन, जमीन हर जगह पर बेशुमार। और ये जो छोड़ा है ये दोनों हाथों से खर्च किया, दोनों लातों से खर्च किया, फिर भी इतना बचा, सखावत के बादशाह। और सोने की टाइल्स थी, टाइल्स जिनको औलाद में तकसीम करने लगे वरासत में, तो काटते काटते आरियां टूट गईं, चाकू टूट गए, छुरियां टूट गई, उनको काटते काटते हलाल कमाया है, अल्लाह भी खुश है, हराम की एक पैनी भी तबाह बर्बाद कर दी। और हलाल का ढेर बता रहा हूं,
अल्लाह राजी है, बल्कि अल्लाह के नबी ने टाइटल दिया अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान रहमान का ताजर है, ये अल्लाह का ताजर है। वाकई में ये सारी चीजें अगर एक इंसान समझ ले तो वो अपने जिंदगी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकता है। वाकई में बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए हैं इस जंजाल में और छूटना नामुमकिन की तरह लगता है, लेकिन आसान है अगर हम दिल से चाहें हर वो चीज हासिल कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपका सवाल ये है, क्या लगता है आपको, क्या आप भी जंजाल में फंसे हुए हैं या फिर आप आजाद हैं? वही नीचे कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। और हाँ, वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया फटाफट से करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे एक और नई और बेहतरीन रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।